प्रभुदेवा साउथ इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार हैं। वो एक एक्टर होने के साथ साथ कोरियोग्राफर भी हैं। प्रभु ने 2020 में दूसरी पत्नी हिमानी से शादी की थी। शादी के 2 साल बाद ही कोरियोग्राफर के घर में चौथे बार बच्चे की किलकारी गूंजी है। हाल ही में एक इंटरव्यू में प्रभु ने इस खबर का खुलासा करते हुए और अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, जी सर, ये सच है, मैं इस उम्र में फिर से पिता बना हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और खुद को पूरा महसूस कर रहा हूँ। खबरों की माने तो प्रभु देवा अपनी लाडली के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपना वर्कलोड भी पहले से कम कर दिया है। आपको बता दें, प्रभु पहले से ही 3 बेटों के पिता थे। अब उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया है और अपनी बेटी के जन्म से कोरियोग्राफर बहुत ही खुश हैं। हालांकि बेटी के जन्म की अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर नहीं की है, लेकिन उनकी इंडस्ट्री में खुशी इस बात की है कि वो फिर से पिता बने हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैंने पहले से ही अपने काम को कम कर दिया है। मुझे लगा कि मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ, दौड़ रहा था, अब मैंने बहुत कर लिया। मैं अब अपनी फैमिली के साथ समय बिताना चाहता हूँ। आपको बता दें कि साल 2020 में प्रभु ने गुपचुप तरीके से शादी की थी। उनकी दूसरी पत्नी पेशे से डॉक्टर हैं। इससे पहले प्रभु देवा ने 1995 में रामलता से शादी रचाई थी। हालांकि शादी के 16 साल गुजर जाने के बाद दोनों ने तलाक ले लिया था। फिलहाल अब वो फिर से पिता बन चुके हैं। उनके फैंस भी ये खबर सुनकर काफी एक्साइटेड हैं और उन्हें विशेस दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।